खबर, आसनसोल से टिकट वापस करने वाले पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो चुनाव कहां से लड़ेंगे इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दावा है कि अपनी मां का वादा पूरा करने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और ट्वीट करके पवन सिंह ने क्या लिखा है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये पहले तो उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और उसी पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा कि वो समाज को किया हुआ वादा, मां को किया हुआ वादा, जनता जनार्दन को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ेंगे और आशीर्वाद मांगा जनता से। ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। आसनसोल से पहले ऐलान किया गया था पवन सिंह के नाम का और उसके बाद अब जो है ये कह दिया है पवन सिंह ने कि अब वो चुनाव लड़ेंगे। पहले उन्होंने ये कहा था कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब एक्स पर पोस्ट करके कहा है। क्या लिखा वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जनता जनार्दन को किया हुआ वादा, मां को किया हुआ वादा और जनता को किया हुआ वादा जो है वो पूरा करेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। ये सोशल मीडिया एक्स पर पवन सिंह की पोस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसके बाद ये क्लियर, हालांकि सीट कौन सी होगी अभी इसके बारे में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी है, लिखा नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर हो गई है शायद, इसलिए उन्होंने ये पोस्ट किया है। नीरज पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। नीरज, पहले ना फिर हाँ और अब ऐलान कर दिया, लेकिन सीट कौन सी होगी इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मेरी जानकारी है कि पवन सिंह ने ट्वीट किया है और ये उनकी शायद किसी पार्टी से बात बन गई है चुनाव लड़ने की, और मेरी जानकारी ये भी है कि शायद वो आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और ये अलग बात है कि अब शायद वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव ना लड़के किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो बात है वो दोनों तरफ चल रही थी। भाजपा में विरोध के बाद उनका टिकट कट गया, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने नाम वापस ले लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चूँकि चुनाव उनको लड़ना था और चुनाव लड़ने की उन्होंने फिर एक बार ट्विटर पर घोषणा की है, तो इससे साफ हो गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बल्कि एक क्षेत्रीय दल से बिहार के, और हो सकता है कि आरजेडी के टिकट पर वो आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन जब तक ऑफिशियल कुछ ना हो जाए तब तक सीधे तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन जो हमारे कयास लगाए जा रहे हैं, जो हमारी जानकारी आ रही है उसके अनुसार आरा से वो आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है नीरज, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।